डेट 2024 सोमवती अमावस्या कब है, जाने तारीख, व्रत विधि और महत्व। सोमवती अमावस्या सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या तिथि होती है। इस साल सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करती हैं और पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। आइए आपको बताते हैं सोमवती अमावस्या का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। सोमवती अमावस्या इस साल 8 अप्रैल को है। चैत्र मास की अमावस्या इस बार सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या कहा जा रहा है। चैत्र मास की अमावस्या का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व माना गया है और जब यह सोमवार को पड़ती है तो इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या पर महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। सोमवती अमावस्या पर पितरों के नाम से पूजा करने का बहुत ही खास महत्व होता है और उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन करवाने और दान पुण्य करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त और व्रत विधि। सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को सुबह 8:21 से आरंभ होगी और रात को 11:50 तक मान्य होगी, इसलिए सोमवती अमावस्या का व्रत 8 अप्रैल दिन सोमवार को होगा। यही दिन चैत्र मास की अमावस्या के लिए भी मान्य होगा। इसी दिन चैत्र अमावस्या का भी व्रत रखा जाएगा। 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या का स्नान और दान ब्रह्मा मुहूर्त में 4:32 से लेकर 5:18 तक होगा। सोमवती अमावस्या का महत्व। सोमवती अमावस्या के दिन अधिकांश रूप से सुहागिन महिलाएं व्रत करके भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करती हैं और सुहाग की सामग्री माँ पार्वती को अर्पित करके अपने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और आपको आपके परिवार में सुख शांति बढ़ती है। सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करके दान पुण्य करने से आपको पितरों का संपूर्ण आशीष प्राप्त होता है और वे आपसे प्रसन्न होते हैं। सोमवती अमावस्या की व्रत विधि। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल स्नान करके व्रत करने का संकल्प लें और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। शिवलिंग को दूध और जल से स्नान करवाएं और उसके बाद अक्षत, बेलपत्र, भांग, मदार, धूप, दीप, शहद, नैवेद्य अर्पित करें। इसके साथ ही माता पार्वती को सिंदूर, फूल, फल, धूप, दीप और सुहाग की सामग्री अर्पित करें। आरती करें और शिव चालीसा का पाठ करें। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ के चारों तरफ परिक्रमा करके कच्चा सूत का धागा पर उस पर लपेटती हैं। इसके साथ भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनके पति की आयु भी बरगद के पेड़ के समान लंबी हो। सोमवती अमावस्या की कथा। इस कथा के पाठ से मिलता है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या की व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। यहाँ पढ़े सोमवती अमावस्या की कथा। सोमवती अमावस्या की कथा। गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवाभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह योग बन। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला न बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है।
यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात बोली। अलगे दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भमरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भमरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट में हर हर महादेव लिखे, महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सत्यता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्म ग्रंथों से संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके सही और सिद्ध होने की प्रमाणता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।